दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोर्न के बारे में। मैं यहाँ पर आपको पोर्न देखने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा, आपको देखना चाहिए या फिर नहीं ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बट सच तो ये है कि मैक्सिमम लोग रेगुलर पोर्न देखते हैं बट सही तरीके से नहीं, जिससे कि आपका डाटा लीक हो सकता है। बट टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ जिनका आप यूज करके आप इन चीजों से बच सकते हो और सेफली पोर्न देख सकते हो। सो दोस्तों पहले आता है ब्राउजर। आपको कभी भी अपने मोबाइल के डिफॉल्ट या फिर क्रोम ब्राउजर से पोर्न नहीं देखना, क्योंकि जो आपका मेन ब्राउजर है या फिर क्रोम ब्राउजर है वो आपके ईमेल अकाउंट से लिंक्ड होता है। जब आप पोर्न वेबसाइट विजिट करते हो तो वो कुछ परमिशन मांगती है जो कि आपके ब्राउजर और आपके ईमेल अकाउंट से रिलेटेड होती है। दूसरी चीज गाइस, आप कभी भी किसी भी पोर्न वेबसाइट पे अपनी मेल ईमेल आईडी से अकाउंट ना बनाएं। अगर आप ऐसा करते हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो मेल आईडी है वो लिंक हो जाएगी पोर्न वेबसाइट से, उसके बाद आपको पोर्न वेबसाइट वाले आपको जो है ईमेल तो भेजेंगे ही, साथ में आपको एड्स भी देखने को मिलेंगे और उसके बाद वो आपके डाटा को भी एक्सेस कर सकती है। तीसरी चीज गाइस, कभी भी भूल के भी गलती से भी पोर्न वेबसाइट का जो ऐप है वो इंस्टॉल ना करें, जिस ऐप में सिर्फ पोर्न ही आती हो।